समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारियों की पोशाक में पुलिस कर्मियों को तैनात करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग की है जिसने मंदिर में पुजारियों की पोशाक में पुलिस कर्मी तैनात करने का आदेश दिया है। अखिलेश ने उसके इस कृत्य को निंदनीय बताया है। दरअसल वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के आदेश पर मंदिर में पुजारी की पोशाक में पुरुष और महिला पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। जहां पुरुष पुलिसकर्मी धोती कुर्ता पहने हुए हैं, वहीं महिला पुलिसकर्मी सलवार कुर्ता पहने हुए हैं। इस प्रणाली पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पुजारी के वेश में पुलिसकर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है। इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाना चाहिए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगी? यह निंदनीय है। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड तोड़ बढ़ती जा रही है। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर की ओर से बड़ा फैसला किया गया है, जिसके तहत काशी विश्वनाथ के गर्भगृह में पुलिस कर्मियों की ड्रेस पुजारियों की तरह होगी। यह तैनात सुरक्षा कर्मी गले में रुद्राक्ष, माथे में त्रिपुंड और गेरुआ वेशभूषा में दिखाई देंगे। पुलिस के मुताबिक जिस मंदिर में पुलिस कर्मी तैनात होते हैं, इससे दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उनके साथ दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें भी मिल रही हैं। इसी बात पर संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया गया है कि मंदिर में पुलिसिंग की अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में विशेष तौर पर पुजारियों के वेश में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि मंदिर में ड्यूटी अन्य जगहों के अलग होती है, क्योंकि पुलिस को यहां विभिन्न प्रकार की भीड़ का प्रबंधन करना पड़ता है। यहां भीड़ कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने के लिए नहीं, पुलिस यहां लोगों को आसान दर्शन सुनिश्चित करने और उनकी सहायता को और सुगम बनाने के लिए है। उन्होंने कहा, पुलिस कर्मियों द्वारा धक्का दिए जाने पर भक्तों को चोट लगती है। अगर यही बात पुजारी करते हैं तो इससे सकारात्मक तरीके से लेते हैं। नो टच पॉलिसी का पालन करते हुए पुजारियों के पोशाक में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सभी पुलिसकर्मी पुजारी के ही वेश में रहेंगे। कुछ पुलिसकर्मी अपनी वर्दी में तैनात रहेंगे और महिला पुलिसकर्मी महिलाओं के दर्शन के आगे बात बढ़ाते रहेंगे। उन्होंने आगे बताया कि इस नए प्रयोग में जो टच पॉलिसी का भी होगा, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट के समय पुलिसकर्मी आमतौर पर श्रद्धालुओं को हटा देते हैं, इससे उनको ठेस पहुंचती है और वह नकारात्मक सोच लेकर मंदिर में जाते हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।